नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय संस्था लायंस क्लब ऑफ राजधनवार शाखा की ओर से 33वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन धनवार हाई स्कूल हॉल में किया गया। इस दौरान नए सदस्यों को जहां क्लब की सदस्यता ग्रहण कराई गई, वहीं क्लब के नए कमेटी का गठन किया गया, जहाँ नए पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों में शत प्रतिशत खरा उतरने की मुख्य अतिथियों के द्वारा शपथ दिलाई गई। मौके पर रांची से आई लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन शीमा वाजपेयी व राजू सिंह की उपस्थिति में राजधनवार लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए समाज सेवा करने व मानवता धर्म का पालन करने व समाज के कमजोर वंचित लोगों तक पहुंचकर उनके लिए कार्य करने का संकल्प दिलाया। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शीमा वाजपेयी ने लायंस क्लब राजधनवार की तारीफ करते हुए कहा कि इस क्लब ने कम संसाधनों में भी अपने कार्यों से गिरिडीह जिले में अपनी पहचान बनाई है। हम कामना करते हैं कि यह क्लब आने वाले समय में इंटरनेशनल में भी अपनी पहचान बनाएगी। लायंस इंटरनेशनल विश्व की सर्वाधिक सेवा करने वाली संस्था है, जो मानव कल्याण का कार्य करती है। मैं लायंस सीमा वाजपेयी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 322A। मैं राजधनवार क्लब की बहुत सराहना करती हूँ कि वो सीमित संसाधनों के साथ भी 33 वर्षों से लायनवाद के साथ जुड़कर मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे इनके परमानेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है, इनका आई ऑपरेशन कैंप है, जो निःशुल्क होता है। और यहाँ के जो सदस्य हैं वो आईटी में भी बहुत एक्सपर्ट है, जिनको हमेशा हमारे डिस्ट्रिक्ट के आईटी सेवा के लिए उनको याद किया जाता है। और आज भी वो आईटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के युवा बहुत ही कर्मठ हैं और उनमें बहुत जोश है, उत्साह है, और आशा करती हूँ कि वे लायंस की सेवा करने में अपना बराबर इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि राजधनवार का नाम भी विश्व के मानस पटल पर बहुत ही ऊंचे मुकाम पर रहेगा।